नमस्ते गाइस, राजेश शेफा नमस्ते टेक। और इस वीडियो में मैं कर रहा हूँ एक स्पीड टेस्ट, मल्टीटास्किंग और NAND स्टोरेज कंपैरिजन Redmi Note 7 Pro और Vivo V15 Pro के बीच में। दोनों ही प्रो हैंडसेट्स हैं और दोनों में ही आपको मिलता है एक Snapdragon 675 चिपसेट जो कि 2 GHz पे चलता है। Redmi Note 7 Pro जो है वो अप टू 6 GB रैम तक मिलता है, पर यहाँ पर जो हम वेरियंट यूज़ कर रहे हैं उसमें 4 GB रैम है। इससे इसकी स्पीड टेस्ट की परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, बट हाँ, मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस में ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। दोनों फ़ोन्स की इंटरनल सेम है, लेकिन सॉफ्टवेयर वाइज ये दोनों बहुत डिफर करते हैं। वीवो में आपको मिलता है फनटच OS जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 9.0 Pie पे, जबकि Redmi Note 7 Pro में आपको मिल रहा है MIUI 10। तो कौन सा फ़ोन ज़्यादा फास्ट है, Redmi Note 7 Pro कि Vivo V15 Pro? देखिए हमारे स्पीड टेस्ट में। तो स्पीड टेस्ट के 2 राउंड होंगे। पहले राउंड में हम 9 एप्लीकेशंस और गेम्स को इन दोनों फ़ोन में खोलेंगे और इनकी ऐप लोडिंग टाइम को मेजर करेंगे। ये इंक्लूड करता है हैवी गेम्स जैसे कि एसफल्ट 8, एसफल्ट 9, हिल क्लाइंब रेसिंग 2, टेंपल रन 2, और हैवी एप्लीकेशंस जैसे कि कैमरा, क्रोम, एक्सेल, फोटोशॉप, लाइट रूम और स्नैपसीड। सेकेंड लैप में हम इन्हीं सब एप्लीकेशंस को फ़ोन की मेमोरी से लोड करेंगे इनकी मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। Redmi Note 7 Pro जो है उसने लिए 77 सेकेंड्स, जबकि Vivo V15 Pro ने लिए 70 सेकेंड्स। यानी कि Redmi Note 7 Pro सेम चिपसेट होने के बाद भी Vivo V15 Pro से 7 सेकेंड ज़्यादा स्लो था। सरप्राइजिंग डिफरेंस है, बट मुझे लगता है ये इस वजह से है कि Redmi Note 7 Pro जो हम अभी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसमें फाइनल सॉफ्टवेयर नहीं है। अभी के लिए मैंने अपने डेली यूज़ में भी इस फ़ोन में थोड़ी सी लैग और स्टटर देखी है, जो काफ़ी अनयूजुअल है एक Xiaomi फ़ोन के लिए। बट Xiaomi के स्पोक्स पर्सन ने हमें कंफर्म किया है कि वो अभी भी एक मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट पे काम कर रहे हैं इस फ़ोन के लिए, जिससे इसकी ओवरऑल कैमरा परफॉर्मेंस और सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस में Vivo V15 Pro ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और एक भी एप्लीकेशन और गेम को अपने मेमोरी से अनलोड नहीं किया। Redmi Note 7 Pro ने Asphalt 8 और Asphalt 9 को अपने मेमोरी से अनलोड कर दिया। सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि Redmi Note 7 Pro में 4 GB रैम है। ये इशू आपको फ़ोन के 6 GB रैम वेरिएंट में नहीं होगी। NAND स्टोरेज में Vivo V15 Pro का जो NAND है वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट है Redmi Note 7 Pro के कंपैरिजन में, और इसी वजह से शायद Vivo V15 Pro जो है वो ज़्यादा स्मूथ फील करता है डे टू डे यूज़ करने में Redmi Note 7 Pro के मुकाबले। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। क्या आप सरप्राइज हैं कि Vivo V15 Pro ने Redmi Note 7 Pro को बीट कर दिया हमारे स्पीड टेस्ट में? क्योंकि मैं तो हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक बटन ज़रूर दबाएं और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।